अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आपका दोशान अली, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। तो आज का भी लोग आपके साथ, आज चलते हैं मार्केट में, काम की तरफ जा रहा हूँ, तो जो भी आज के मामला है वाकई मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं मेरे साथ आज मार्केट। सो फ्रेंड्स, मैं सर्विस रोड का आज का एरिया, तो मैं अलबदर फिर प्राइस पर खड़ा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत ही अच्छी दुकान है, तो आप देख सकते हैं क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी और अच्छे रेट पे इनसे मिल जाती है। तो आ जा रहे हैं इस दुकान पे। तो आप लोगों से दुआ है, तो की दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ करेंगे। साल इस मंथ का टारगेट मेरा हो जाए, कि पिछले दिन टारगेट ही हुआ, कोई स्टॉक शार्ट हुआ था हमारा, तो उस बार कोई स्टॉक मिला रहा है, तो दुआ करें मेरा टारगेट हो जाए। मेरा कोई सेंस है इस बात की? 30 बन जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर करें कि मैं मज़ीद दे सके ब्लॉग बना कर आपसे शेयर कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सर्विस रोड सादकाबाद के, बहुत ही खूबसूरत एरिया। इन दिनों में महंगाई की वजह से रोड्स भी खाली हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन कुछ ऐसे है कि भूख लगी हुई थी, तो दोस्तों ने कहा कि आप कुछ खाना खाते हैं। एक दोस्त ने चमन बिरयानी का सजेशन किया। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में चलते हैं। चमन बिरयानी जो कि हैबान में लोकेटेड है, कहते हैं कि बहुत मज़े की बिरयानी है। तो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे चक्कर लग रहा है, तो देख के खा के आपको शेयर करूँ। ये आप इनकी बिरयानी देख सकते हैं, काफ़ी फेमस बिरयानी है। ये सुखो में हमें खिलाएंगे, रहता है सलाद के बगैर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आमिर भाई, कैसी बिरयानी है इनकी? रोज आते हैं खाने के लिए। हसनैन भाई, फर्स्ट टाइम आपके कहने पे आए, आप हमें बिरयानी खिला रहे हैं, थैंक यू सो मच। कुछ स्पाइसी बनी बनाई है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। बहुत मजे की बनाई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं खैर वाफियत से होंगे। तो आप लोगों से एक दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी ईमान अली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, इसका गला बहुत सख्त यानी कि पकड़ा हुआ है, अगर मौसम चेंज होने की वजह से इसको नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है। तो आप लोगों से एक दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि मेरी ईमान अली को ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को जल्द से जल्द से रियाद करें और ये ठीक हो, और आपको अच्छी अच्छी मज़े मज़े की पॉइंट्स मिले। ईमान अली, आप ही कह रहे हैं मेरे लिए सब दुआ करें। ये देखिए ना, इसका गला पकड़ा हुआ है, तो इसे बोलने में ठीक हो रहा। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करेंगे, आप लोग दुआ करें। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे है कि मेरी ईमान अली, ये देखे जी मान अली, अभी ये अपने लिए दवाई लेकर आई है, अल्लाह पाक इसको सेहत दे। अल्लाह पाक जो भी बीमार है उनको सेहत दे। मैं ब्रिश की भी, दोनों बहनों के गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो गला पकड़ा हुआ था यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब दोनों ये लेकर आई हैं मैं दवाई। अब ब्रिश, आप भी दवाई लेकर आई हूँ, आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? खांसी लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह ताला मुझे आराम दे दो। अल्लाह ताला आपको राम, अल्लाह ताला से ही दुआ है कि जो भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफाए कामला जराता फरमाए। तो आपसे दुआ की रिक्वेस्ट, ईमान अली और ब्रिश की दुआ करें कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, कुछ खा पी नहीं रही और खाने पीने की थोड़ा सा बेहतर हो। आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट, थैंक यू, जजाक अल्लाह।